इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत में 437 से भी अधिक आदिवासी समुदाय हैं। हर एक समुदाय की अपनी अलग पहचान है, सबकी अपनी अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। आदिवासियों के बारे में एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण बना हुआ है। आदिवासियों को शायद ही कभी स्वीकार किया गया हो या उनके जीवन को सकारात्मक तरीके से देखा गया हो, उनकी आर्थिक स्थितियों को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि उनके बारे में गंभीरता से सोचा जाए। आदिवासी संग्रहालय या ट्राइबल म्यूजियम के द्वारा भारत में मौजूद 430 से अधिक जनजातियों की कलाकृतियों और विरासत को जीवित रखने का एक अहम प्रयास किया गया है। इन संग्रहालयों का मकसद आदिवासियों की विरासत को संजोकर और संभाल कर रखना है, ताकि नई पीढ़ी को उनके जीवन की झलकियां देखने को मिल सके और वह उन्हें लुप्त होने से बचा सकें। ऐसा ही एक प्रमुख संग्रहालय तेजगढ़ की आदिवासी अकादमी है, जो गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित है। आदिवासी अकादमी की स्थापना डॉक्टर गणेश देवी ने सन 1998 में छोटा उदयपुर में की थी। उन्हीं की कोशिशों से पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और आदिवासी अकादमी की स्थापना संभव हो पाई। 1996 में भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर की स्थापना बड़ौदा में हुई। डॉक्टर गणेश देवी जो हैं वो भाषाओं पे काम कर रहे थे। वो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे और भाषाओं में उनकी रुचि हुई, भाषाओं पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो जब भाषाओं पर काम करना शुरू किया, उनको ये सब सबसे पहले ये पता लगा कि जो भाषाएं खतरे में हैं, यानी कि जो भाषाएं विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो आदिवासी भाषाएं ही हैं। इसलिए उन्होंने आदिवासी अकेडमी की स्थापना की तेजगढ़ के अंदर। सबसे पहले ये शुरुआत हुई, ये एक पंचायत भवन में एक कमरे से शुरुआत हुई, जिसको किराए पर लिया गया और डॉक्टर देवी जो है वहाँ पर जाकर वहाँ के जो तेजगढ़ के जो और आसपास के क्षेत्र के जो मेनली राठवा आदिवासी बच्चे थे, उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उनको वहाँ शिक्षा देनी शुरू की। और वो शिक्षा हर क्षेत्र में उन्होंने दी, जिससे कि वो हर क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो सके। इवन माइक्रो क्रेडिट की भी उनको ट्रेनिंग दी गई। और यही लोग हैं जो आज जितने भी प्रोग्राम्स आदिवासी अकेडमी में हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके उसी बैच के बच्चे हैं जो आज पूरी आदिवासी अकेडमी को संभाल रहे हैं। आदिवासी एकेडमी ने ये कोशिश की है, उसका मकसद यही रहा था कि हम आदिवासी भाषाओं को सहज सके और आदिवासी संस्कृति को हम किसी प्रकार से उसका जो प्रभाव है वो बाकी और बाहर की दुनिया को हम बता सकें। हमने जो काम शुरुआती दौर में जो काम किए, वो हर प्रकार के काम थे। वो हेल्थ से संबंधित था, वो एजुकेशन से संबंधित था, वो ट्राइबल राइट से संबंधित था, उनकी संस्कृति से संबंधित था। तो उसी के लिए हमने वाचा मतलब आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ नाम से हमने म्यूज़ियम की स्थापना की। उसके बाद में हमने एक आर्काइव और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स के साथ बनाया, लाइब्रेरी की वहाँ पर स्थापना की गई, स्कूल ऐसे बच्चों के लिए स्कूल बनाया जो जिन बच्चों के माँ बाप हमेशा माइग्रेशन में रहते हैं, बाहर काम धंधे पर चले जाते हैं, जो वो बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते, और हमने वहाँ के आदिवासियों के लिए क्लिनिक बनाया। इस अकादमी में जनजातीय इतिहास, उनकी लोक कथाएँ, लोक कलाएँ, उनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके विकास के बारे में अध्ययन की व्यवस्था की गई। इसी के बाद शुरुआत हुई वाचा संग्रहालय की। मेरे समाज के बारे में कुछ मैं पढ़ा नहीं, तो मुझे लग रहा था कि ये जो आदिवासी के बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट है इनके जीवन में, इनका संगीत है, तो वो चीज़ लेके मैं पढ़ने लगा और वो चीज़ लेके मैंने एक म्यूजियम बनाना तय किया। वो मैंने
ये वो मुझे एक इंटरेस्ट रस का विषय मेरा बन गया। मेरा आज 20 साल हो गया है इस आदिवासी एकेडमी में। तो हमने थोड़ा समय के बाद मैंने एक ट्राइबल म्यूजियोलॉजिस्ट का डिप्लोमा शुरू किया। इनमें हमने लोकल स्टूडेंट, यहाँ का लोकली जो आदिवासी के स्टूडेंट थी, इनको ही तैयार किया मैंने। और वो तैयार करके हम सब साथ में मिलके देश का फील्ड करके आए। बाद में हमने तय किया कि हमारा म्यूजियम एक इनका नाम होना चाहिए कि वाचा। वाचा मीन्स वॉइस, आवाज़ का संग्रहालय ये होना चाहिए। वो आवाज़ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पूरे जो ये आदिवासी लोग है, ये लोगों का आवाज़ यहाँ से, ये म्यूजियम से निकले और देश दुनिया के सामने जाए और इनकी पहचान बढ़े, इनका जतन, इनका रक्षण होए। इस तरीके से हमने ये म्यूजियम भी निकाला था। हमारी सोच थी कि ये पूरे ट्राइबल रिसर्च सेंटर है वो एक ही जगह पे आ जाए, पूरे देश के आदिवासी के जो इंफॉर्मेशन लेना है, देखना है, तो यही नेशनल कंसोर्टियम देखे तो इनको पूरे देश का ट्राइबल रिसर्च सेंटर एक ही जगह पे बैठ के वो देख सकते हैं। ऐसे हमने ये नेशनल कंसोर्टियम का एक डेवलपमेंट किया है। तो ये मेरे तेजगढ़ के ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, आदिवासी म्यूजियम ऑफ वॉइस है। तो म्यूजियम ऑफ वॉइस जो देखना है तो हिमालय के लोग भी देख सकते हैं। ऐसा हमने एक नेशनल कंसोर्टियम का पूरा डेवलपमेंट किया है। आदिवासियों के त्योहारों, सांस्कृतिक गतिविधियों, लोकगीतों और उनकी भाषाओं को आधुनिकता से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आदिवासी एकेडमी की सभी गतिविधियों को आदिवासी जीवन के सौंदर्य और सामाजिक आर्थिक आयामों के साथ जोड़ने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। आदिवासी एकेडमी का जो म्यूज़ियम है वो एक इस प्रकार का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ ओपन वॉल्स हम कहते हैं। हमने जो म्यूज़ियम्स जो ज़्यादातर कोनोलियल यानी कि ब्रिटिश पद्धति पे जो ज़्यादा बने हैं, जिनको लिखा रहता है कि डू नॉट टच, डू नॉट फोटोग्राफ, इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए हमने हमारा म्यूज़ियम जो है वो, जिसकी खुली दीवारें हैं, जिसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो लॉक एंड की सिस्टम के अंदर हों, जो इसमें ज़्यादातर ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आज भी कोई भी वहाँ से उठा के बजा सकता है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं आदिवासी अकेडमी में, हम उनको प्रमोट करते हैं कि वो वहाँ के ढोलों को, वहाँ के जो पावी हैं उनको उठा के बजाएं। और वो हमेशा एक टिमड़ी नृत्य करते हैं, रात को जब रात होती है, शाम होती है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जिनको जो पसंद इंस्ट्रूमेंट आता है, वो म्यूज़ियम में से निकालते हैं, उनको बजाते हैं। तो एक तो ये प्रयास है कि जो नई जनरेशन है वो उन वाद्य यंत्रों को अपनाएं, उनको भूले नहीं। मैं आदिवासी एकेडमी को आदिवासी वॉइस के रूप में पहचानता हूँ और यही हमारे प्रयास हैं कि इस वॉइस को जो है हम बहुत दूर तक लेकर जाएं, लोगों को रियलाइज़ कराएं कि जो ये आदिवासी संस्कृति है, ये एक इस प्रकार की संस्कृति है जो प्रकृति पे निर्धारित है, जिसने कभी प्रकृति को कोई प्रकार का नुकसान नहीं किया। ये एक ऐसा समुदाय है जिसकी निर्भरता जो है भारी तत्वों पर नहीं है, वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए अगर हम कुछ सोचें तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना चाहिए, जिस प्रकार से उनकी जो इतिहास है, उनकी जो संस्कृति है, वो जीवित रह सके। आर्थिक सहायता आवश्यक है, लेकिन सिर्फ आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होती। ऐसे प्रयासों की भी जरूरत होती है जो आदिवासियों के जीवन को आसान बना सके, जो उनकी संस्कृति की विशिष्टता के बारे में जागरूकता बढ़ा सके और उनके प्रति सम्मान पैदा कर सके। ऐसी कोशिशें ही आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा।